Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about the various immune disorders like AIDS, SCID and cancer. Today we are going to start a new topic, that is drugs abuse. First of all, what is drug? अगर हम ड्रग की बात करते हैं तो वो केमिकल्स, वो मेडिसिंस जो किसी पेशेंट को दी जाती है उसे किसी डिजीज़ से क्योर करने के लिए. लेकिन जब इन्हीं ड्रग्स को, इन्हीं केमिकल्स को अगर अब्यूज़ करने लग जाएं, मिसयूज़ करने लग जाएं, तो वो कहलाता है ड्रग्स अब्यूज़. ठीक है, मतलब ड्रग्स क्या है? ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, पोस्ट सर्जरी यूज़ की जाती है, या फिर एज अ पेन किलर यूज़ की जाती हैं, या फिर एंटी डिप्रेसेंट यूज़ की जाती हैं. बट इन्हीं को कुछ लोग जब मिसयूज़ करने लग जाते हैं या एक टेम्प्ररी हैप्पीनेस के लिए इन ड्रग्स को कंज्यूम करने लग जाते हैं तो वो कहलाता है ड्रग्स अब्यूज़. टेम्प्ररी हैप्पीनेस कह दो या यूफोरिया, दैट इज़ टेम्प्ररी हैप्पीनेस और यूफोरिया. तो ड्रग्स को अगर यूफोरिया के लिए कंज्यूम किया जाता है तो वो कहलाता है ड्रग्स अब्यूज़. पहले इसको ड्रग एडिक्शन कहते थे. भाई धीरे धीरे एक कोई भी पर्सन जब किसी भी प्रकार के केमिकल को कंज्यूम कर रहा है तो वो फिजिकली और फिजियोलॉजिकली उससे अडिक्ट हो जाता है, उसको उसकी लत हो जाती है, आदत पड़ जाती है. तो पहले इसको हम ड्रग एडिक्शन कहते थे. लेकिन WHO ने अब ड्रग एडिक्शन की जगह एक न्यू टर्म यूज़ कर ली है, दैट इज़ ड्रग डिपेंडेंस. ड्रग डिपेंडेंस कि कोई भी पर्सन जब फिजिकली और फिजियोलॉजिकली किन्हीं केमिकल्स पर डिपेंड करने लग जाता है, उनके बिना नहीं रहा जाता, वो डिमांड करती हैं, तो वो कहलाता है ड्रग डिपेंडेंस. कितने टाइप की ड्रग्स होती हैं? कुछ सिडेटिव्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करती हैं, कुछ ट्रैंक्यूलाइजर्स होते हैं जो इंसोमनिया के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं कि किसी को नींद नहीं आती है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट जो ट्रैंक्यूलाइजर्स को यूज़ किया जाता है. तो वैसे ही NCERT के अकॉर्डिंग पहली जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की वो है ओपियोइड्स. ओपियोइड्स जो हैं ये एक तरह के एल्कलॉइड हैं और इनको एक प्लांट से, ओपियम पोपी प्लांट या पेपेवर सोमिनीफेरम, ठीक है, जो ओपियम पोपी है या फिर इसको पेपेवर सोमिनीफेरम भी कहते हैं, उससे निकाला जाता है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो पोपी प्लांट है, जो पेपेवर सोमिनीफेरम है, उसका कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है ड्रग की फॉर्मेशन के लिए? तो ये निकाली जाती है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ अनराइपन्ड कैप्सूल ऑफ द पोपी प्लांट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ओपियोइड्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, तो वो एक अनराइपन्ड कैप्सूल के लेटेक्स से निकाली जाती हैं, बनाई जाती हैं. इन ड्रग्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में प्रेजेंट रहते हैं. मतलब जब उनको, इन ड्रग्स को कंज्यूम किया जाएगा तो इन ड्रग्स को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपियोइड्स की बात करूं तो एग्जांपल हो जाएगा लाइक हीरोइन, मॉर्फिन, स्मैक, ब्राउन शुगर. ठीक है, ये क्या है? ये ओपियोइड्स हैं. ब्राउन शुगर हो गई, स्मैक हो गई, ठीक है, ये मॉर्फिन हो गई, ये एग्जांपल हैं ओपियोइड्स के. अब इन्हीं को, ये जो मॉर्फिन है इसको यूज़ किया जाता था, मतलब इसका जो मेडिसिनल यूज़ है वो था एज अ पेन किलर, कि आफ्टर सर्जरी के बाद अगर कोई भी पेशेंट को पेन हो रहा है तो उस पेन को रिमूव करने के लिए मॉर्फिन यूज़ की जाती थी. बट इसको बाद में लोगों ने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया एक टेम्प्रेरी हैप्पीनेस के लिए, या फिर कोई भी मतलब अपना जो मेंटल कंडीशंस हैं उनको टेक ओवर करने के लिए उन्होंने इन ड्रग्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया. तो जो नेचुरल ओपियोइड है वो है मॉर्फिन, सेमी सिंथेटिक है हीरोइन या ब्राउन शुगर या स्मैक. ये कैसे बनती है? ये बनती है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. मॉर्फिन की एसिटाइलेशन होती है, उसके बाद जो ब्राउन शुगर, स्मैक या हीरोइन जिसको कहते हैं वो बनती है. फिर है सिंथेटिक,
इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर तो इनका मॉर्फिन जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है, जो फंक्शन है, वो मॉर्फिन जैसा होता है। एग्जांपल मेथेडोन। एग्जांपल क्या है इसका? मेथेडोन। इन ओपियोइड्स को स्नोट किया जाता है, स्नोटिंग के थ्रू, इनहेलिंग के थ्रू इन्हें कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं एज इट इज़ कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कहाँ से बनता है मॉर्फिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन से प्लांट से बनता है, इसमें सेमी सिंथेटिक हीरोइन के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसी उस ड्रग का क्या नाम है जो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनती है, या हीरोइन किससे बनती है, ब्राउन शुगर स्मैक भी इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं ओपियोइड से बनते हैं। सेकंड है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट्स क्या हैं? जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे केमिकल्स जो बॉडी की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देंगे, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि जो ड्राउजीनेस है, डे ड्राउजीनेस है, या जो एक लेथार्जिक बंदा है, वो उसकी बॉडी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी में वो इंक्रीज होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस रहेगी तो वो एक्टिव रहेगा। तो कहने की बात है कि स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, ओवरऑल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब हम लोग थक जाते हैं या फिर नींद आने लग जाती है, जब पढ़ते पढ़ते तो कहते हैं कि कॉफ़ी पी लो या चाय पी लो, थकान दूर हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, एक्टिव रहोगे, तो इस चाय में, कॉफ़ी में, इनमें क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर ऐसे स्टिमुलेंट्स प्रेजेंट हैं, ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब जब रेस्पिरेशन फास्ट होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो सेल एक्टिव हो जाएंगी और वो एटीपी की फॉर्मेशन करेंगी। एनर्जी अगर बॉडी में होगी तो जो बंदा, जो लेथार्जिक था, वो एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कैफीन इन द कॉफ़ी एंड कोकेन या कोक या क्रैक, जो कि इराइथ्रोजाइलम कोका से प्रोड्यूस होता है, इराइथ्रोजाइलम कोका से ये प्रोड्यूस होता है कोकेन, और कोकेन का अगर ओवर कंजप्शन किया जाता है तो ये हेलुसिनेशन भी क्रिएट करता है। हेलुसिनेशंस क्या है? ये एक तरह का प्रोसेस है जो कि मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में उस इंसान को ले जाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट स्टिमुलेंट है, दैट इज़ एम्फेटामाइन्स या पेप पिल्स या स्पीड इंक्रीजर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यूजुअली एम्फेटामाइन्स को वो कंज्यूम करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो अपनी जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करने के लिए कंज्यूम करेंगे इन स्टिमुलेंट्स को, और उसकी बॉडी में स्टिमुलेंट प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज़ के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डोप टेस्ट होता है, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि उसने किसी टाइप की कोई ड्रग ली है या नहीं ली है। नेक्स्ट इज हेल्यूसिनोजेंस, वही हेल्यूसिनेशन जो कोज करते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, ऐसी ड्रग्स जिनको कंज्यूम करने के बाद जो लाइट है वो चलती हुई नज़र आती है, साउंड दिखाई देती है, मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में वो इंसान रहता है। फॉर एग्जांपल, हेल्यूसिनेशन, भ्रम किससे पैदा होगा? पहला, लाइक जैसे मैंने बताया था, एक्सेस कोकेन, अगर कोकेन की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा ली जाती है, स्टिमुलेंट तो है ही, लेकिन अगर कोकेन को एक्सेस में कंज्यूम किया जाता है तो वो हेलुसिनेशन कोज करता है। सीड्स ऑफ धतूरा एंड द एरियल पार्ट ऑफ द एट्रोपा बेलीडोना, ठीक है, देन LSD, क्या है ये? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइन, ये LSD जो है एक फंजाई से प्रोड्यूस होता है, एंड दैट फंजाई इज क्लेविसेप परप्यूरा, जो कि एक एस्कोमाइसिटिस है, मतलब इट बिलोंग्स टू द एस्कोमाइसिटिस फैमिली, और ये जो क्लेविसेप परप्यूरा है ये प्रोड्यूस करती है LSD को। इसकी भी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, दैट एक्सपेंड LSD, या ये किससे प्रोड्यूस होता है, तो किससे है? एक फंजाई क्लेविसेप परप्यूरा से प्रोड्यूस होता है, और ये क्लेविसेप
एस्कोमाइसिटिस क्लास से बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो हेलुसिनोजेंस हैं उसमें आ जाते हैं कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स क्या करेंगे, हमारा जो बॉडी का जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी रेस्पिरेशन है उसको इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल गांजा, भांग, चरस, हशीश, मैरिजुआना, ये किससे प्रोड्यूस होंगे, ये जो कैनाबिनोइड्स हैं ये एक प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं एंड दैट प्लांट इज नोन एज कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा इस प्लांट से कैनाबिनोइड्स प्रोड्यूस होते हैं और इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो गांजा है वो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल फ्लावर से बनता है, कैनाबिस फीमेल फ्लावर। भांग जो है वो ड्राइड लीव्स से बनती है। चरस या हसीस जिसको कहते हैं वो लीव्स और फ्लावरिंग शूट से बनता है और जो मैरिजुआना है वो ड्राइड फ्लावर और टॉप लीव से बनाया जाता है। ये भी एनसीईआरटी में एज इट इज़ ये जो नाम दे रखे हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ड्रग अब्यूज़ के अंदर जितने भी डायग्राम से केमिकल्स लाइक कैनाबिनोइड्स के हैं या फिर जो मॉर्फिन का है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। इनके जो पार्ट्स हैं अभी एनसीईआरटी में क्या कर रखे, ये सारे पार्ट्स लिख रखे लेकिन ये नहीं बता रखा कि कौन सा जो ड्रग है वो कौन से पार्ट से बनता है, तो इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टोबैको एडिक्शन। टोबैको इसको लोग च्युइंग भी करते हैं, स्नोर्ट भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है निकोटीन। ये जो निकोटीन है हमारी बॉडी के अंदर, जब निकोटीन जाएगा तो एड्रीनल ग्लैंड में से एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन रिलीज करेगा जिससे रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगी। रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी और जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा। जो लोग टोबैको को च्यू करते हैं उनको ओरल कैंसर भी हो जाता है, लंग कैंसर भी हो जाता है स्मोकिंग करने वालों को, तो इसका एडिक्शन हो जाता है। निकोटीन क्या करेगा, बॉडी को अडिक्ट करवा देगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि निकोटीन के कारण कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है या कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और वो किसको अफेक्ट करेगा, मतलब बॉडी का रेस्पिरेशन फास्ट होगा या सर्कुलेशन होगा, क्या चीज़ निकोटीन अफेक्ट, किस चीज़ को निकोटीन अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एल्कोहल एडिक्शन। एल्कोहल कंजप्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर, मेन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी सेरिबेलम को अल्कोहल सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसके बाद लीवर को, और लीवर में क्या कोज करेगा, लीवर सिरहोसिस दैट इज लीवर कैंसर, किसके कारण होगा, अल्कोहल कंजप्शन के कारण होगा। अभी एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखी है विथड्रॉल सिंड्रोम। ये क्या होती है विथड्रॉल सिंड्रोम, जब किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन जो फिजिकली और फिजियोलॉजिकली इन केमिकल्स से अडिक्ट हो जाता है और उसे ये जो केमिकल्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं अगर नहीं मिलती हैं तो उसकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, जो रिस्पॉन्स उसकी बॉडी करती है उसे कहते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम। और अगर कई बार तो जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो जाती है अगर वो किसी भी ड्रग से अडिक्ट है और उसको वो ड्रग ना मिले तो। ये जो चैप्टर है इसमें से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। जो बच्चे अभी 2021 में जो बोर्ड के एग्जाम्स देंगे उनमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। अदरवाइज जैसे अल्कोहल कंजप्शन है, टोबैको एडिक्शन है या जो ड्रग्स हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है बोर्ड में और 4 से 5 क्वेश्चन क्या है नीट में आते हैं। एवरेज है ये 4 to 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से और 1 क्वेश्चन तो ड्रग से ज़रूर आता है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ में एनसीईआरटी को भी रीड करना, बिकॉज जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।